अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रियाज किचन। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली रियाज किचन की तरफ से। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो सबसे पहले अपनी चॉइस की सब्ज़ियाँ लीजिए। मैंने यहाँ पर फ्लावर, आलू और बीन्स लिए हैं। आपको जो सब्ज़ी डालनी है आप वो डाल सकते हैं। तो सब्जियों को काट कर धोकर मैंने कुकर में उबाल लिया है और उसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई गैस पर गर्म होने रख देंगे। इसमें एक बाटी तेल डालेंगे और एक चम्मच घी या फिर बटर भी एक चम्मच आप डाल सकते हैं। एक बड़े चम्मच जीरा डाल देंगे। अब एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप कर कर इसमें डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अब एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट जाएगा इसमें। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। इसकी कच्ची स्मेल हमें नहीं आनी चाहिए। अब हम इसमें दो मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप कर कर डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट होने दे और उसे इस तरह से मैश कर ले। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें एक चम्मच नमक, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच पाव भाजी मसाला और हाफ चम्मच धनिया पाउडर है। अब हम सारे पाउडर मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमने सब्जियों को मैश करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और जो कुकर में थोड़ा सा सब्ज़ी लगी थी हम उसको भी धोकर इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमारी पाव के साथ खाने वाली भाजी तो रेडी है। बस अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और बस इसमें नींबू निचोड़े, कटा हुआ प्याज ऐड करें और धनिया डालकर पाव से इंजॉय करें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।